तो हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था लिंक्स का चैप्टर। तो लिंक आप सब लोगों को पता है, किसी ने लगाया है पहले, लिंक का यूज़ किया है किसी ने पहले? तो हम ज़रा ना लिंक्स को देखते हैं कि ये क्या चक्कर है। तो ये तो हमने बात डिस्कस कर ली थी कि कितने तरह के लिंक्स होते हैं। आज हमने बाकायदा जो है वो इसका प्रैक्टिकल करना है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि राइटिंग लिंक्स जो है वो क्या है। लिंक्स आर क्रिएटेड यूजिंग एंकर एलिमेंट, सही है। इसको ए एलिमेंट नहीं बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे आप एंकर एलिमेंट, सही है। यूज़र कैन क्लिक ऑन एनी थिंग बिटवीन द ओपनिंग टैग ऑफ एंकर एलिमेंट एंड द क्लोजिंग टैग ऑफ एंकर एलिमेंट। मिसाल के तौर पर आपने लिखा गो टू माई पोर्टफोलियो, ऐसे आपने ये बात लिखी हुई, और इसको आपने रैप कर दिया किस में, एंकर के ओपनिंग एलिमेंट में और क्लोजिंग एलिमेंट में, आपने इसमें रैप कर दिया। तो अभी उसके बीच में जो भी चीज़ लिखी थी ना आपने, यानी जिस चीज़ को आपने रैप किया, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो क्लिकेबल हो जाएगा, यूज़र उस पर क्लिक कर सकेगा। यू स्पेसिफाई विच पेज यू वॉन्ट टू लिंक यूजिंग द HREF एट्रीब्यूट। अच्छा, अब क्लिक करने से होगा क्या, ये आपने डिसाइड करना है एज अ डिवेलपर, एज अ प्रोग्रामर। आप उसको देंगे एक HREF के नाम से एट्रीब्यूट, और वहाँ पे आप ये बात मेंशन करेंगे कि इस पर क्लिक करने से किस पेज पे लेकर जाना है, ठीक है। बाय द वे, एंकर आपको पता है अंग्रेज़ी में एंकर किस चीज़ को कहते हैं? हाँ, जहाज़ का जो लंगर होता है, ANCHOR, एंकर, ठीक है। एंकर कुछ इस तरह की चीज़ होती है। तो कोई इस बात पे अपना ओपिनियन दे सकता है कि इसको एंकर क्यों बोल रहे हैं? एंकर यहाँ पे एक बना देते हैं ना, यहाँ पे मैंने एक ए का टैग लगाया, यानी कि एंकर टैग, और मैंने कहा कि https://www.facebook.com/mnzamammalik, ठीक है, गो टू माई फेसबुक पेज, सही है। ये मैंने क्या बना दिया, एक अदद लिंक बना दिया मैंने। तो लिंक को कैसे बनाया जाता है, मैंने लिखा गो टू माई फेसबुक पेज और इसको रैप कर दिया एंकर एलिमेंट में, तो ये पार्ट क्लिकेबल हो गया। अब इस पर क्लिक करने से जाएगा कहाँ, वो मैंने HREF का एट्रीब्यूट दे के एक वेबसाइट का एड्रेस बता दिया कि इस पर क्लिक करने से यहाँ पे चला जाए। अब इसको ज़रा अगर ओपन करते हैं, अच्छा ओपन करने का तरीका है राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी पाथ भी कर सकते हैं, और एक एक्सटेंशन होता है लाइव सर्वर या गो लाइव करके नीचे बटन आ रहा है, तो अभी मैं देखूँगा ना मेरे पास इंस्टॉल हुए हुए जितने आ रहे हैं, ये है वो लाइव सर्वर, ठीक है। तो इसको अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ऑप्शन, ऐसे ये छोटा सा बटन आ जाएगा नीचे आपके VS कोड के टॉप बॉटम वाली लाइन में। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी पेज आपके सामने जिस पर आप कोड लिख रहे हैं वो ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। तो आप इस पर देखें ज़रा क्या हुआ है, इसमें ना मैं एक BR लगा लेता हूँ ताकि ये नीचे वाली लाइन में चला जाए, सही है। तो आप यहाँ पे देखें, ये एक क्लिकेबल लिंक बन गया, और जिस पर मैं क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली मुझे उस लिंक पे लेके चला जाता है जो मैंने लिखा हुआ था, और मेरी वेबसाइट ख़त्म हो गई, ये उठ के दूसरी वेबसाइट पर आ गया, ठीक है। मैं वापस चला जाता हूँ, बैक का बटन दबाऊँगा तो ऑब्वियसली मैं उसी वेबसाइट पे वापस आ जाऊँगा जहाँ पे मैं पहले था, ठीक है। हाँ, तो ये है एंकर एलिमेंट या लिंक। जी नहीं, न्यू पे थोड़ी ओपन हुई है, मैंने क्लिक किया इसी पे हुई है, इसी टैब में हुई है। न्यू टैब के लिए एट्रीब्यूट लगाना होता है अंडरस्कोर ब्लैंक, वो लगाऊंगा तो नए टैब में खुलेगी। अभी मेरी वेबसाइट तो गई, मैं बैक का बटन दबा के अपनी वेबसाइट पे वापस आ रहा हूँ, सही है, ऐसा कुछ हो रहा है। बैक का बटन दबाऊंगा तो जाहिर है जहाँ से मैं गया था वहीं वापस आऊँगा। हाँ, तो कोई आप में से कोई ओपिनियन दे सकता है, कोई किसी का थॉट है इस बारे में कि इसको एंकर एलिमेंट क्यों कहते हैं? हाँ,
और कोई ऐसे थॉट ले रहा हूँ आपसे। हमारे एक टीचर थे नहीं अभी भी हैं नौशाद आरजू साहब, जिनसे मैंने ज़िंदगी में पहली बार प्रोग्रामिंग मैंने उन्हीं से पढ़ी थी। तो वो एक बात कहते थे कि नाम में ना बहुत सारी कहानी छुपी हुई होती है, तो आप नाम पे हमेशा गौर किया करें, ठीक है। और मेरी थोड़ी पर्सनली मेरी जो नेचर है थोड़ी वो क्यूरियोसिटी वाली नेचर है, उसको कहते हैं ना क्यूरियस कैट, एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है कि क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, क्यूरियोसिटी किल्ड, मतलब कैट क्यूरियस होती है हर चीज़ में, उसने उंगली डालनी होती है। तो एक दिन उसने बिजली के बोर्ड में उंगली डाली और क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, ठीक है। बट आई वुड से कि इट्स बेटर टू बी किल्ड बाई क्यूरियोसिटी, बेड पे मरने से तो बेहतर है ना कि क्यूरियोसिटी मार दे। वेल, तो मेरी थोड़ी नेचर क्यूरियोसिटी वाली है, क्यूरियस कैट। तो मैं वैसे भी मुझे चीज़ों में बड़ा तजस्सुस होता है, और नाम में जैसा कि मेरे टीचर की मैंने बात बताई, वो कहते थे नाम में कहानी छुपी हुई है, तो नाम पे हमेशा गौर करने की आदत डालें, आधी कहानी आपको समझ आ जाएगी। नहीं, वो तो उसका बिहेवियर तो है, लेकिन उसको एंकर क्यों उसका नाम रखा? उसका नाम कुछ और भी तो रखा जा सकता था, मतलब एंकर तो रोकने के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना, मतलब जैसे कि हमने देखा ये एंकर जो है, एंकर तो शिप को रोकने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो दूसरे पेज पे चले जाते हैं उससे। सोचो सोचो, एक्चुअली में ना ये एंकर जो है इसका एक और भी यूज होता है, इसको बोलते हैं, आपने बचपन में स्टोरीज अगर पढ़ी है उर्दू वाली, उसमें एक वर्ड यूज है कमंद डालना, एक शेर भी है कि सितारों पे वो डालते हैं कमंद, वो भी एक काइंड ऑफ एंकर होता है। वो अभी वो मुझे उसकी फ़ोटो नहीं मिल रही, हाँ हाँ, क्लाइंबिंग एंकर शायद उसको बोलते होंगे। एंशंट लिखता हूँ मैं, एंशंट क्लाइंबिंग एंकर। वेल, अभी तो ये कुछ उस तरह की फ़ोटो मुझे नज़र नहीं आ रही यहाँ पे कहीं, उसका शायद कुछ स्पेसिफिक है, वो भी एंकर बाय द वे। हाँ, कमंद लिख के ट्राई करता हूँ। अरे ये तो कोई मूवी आ गई। तो वो जो एंकर होता है ना, उसके जो मुंह होते हैं ना, ये चार होते हैं, इसमें ये दो मुंह निकले हुए ना, उसमें चार मुंह निकले हुए होते हैं, और उसके एंड पे जिसमें बेल्ट लगी हुई है ना, उसमें रस्सी लगी हुई होती है, उसको यूँ घुमाते हैं और घुमा के ना यूँ दीवार पे डालते हैं, यानी ऊंची ऊंची दीवारों पे चढ़ने के काम आता है वो, जो अब पुराने ज़माने में चोर बड़ा यूज़ करते थे उसको। क्या नाम? नहीं, उसका नाम क्या है, उसके ऑब्जेक्ट का नाम बताओ ना मुझे। हाँ, रॉबिन हुड वाली मूवी में भी है वो, रॉबिन हुड एंकर लिखता हूँ। फोटो चाहिए ना मुझे उसकी, नहीं आ रहा। क्या है? ग्रैपल, जी आर ए पी एन ई एल, ग्रैपलिंग हुक नाम है उसका। हाँ, इस तरह की चीज होती है, ये देख रहे हो। थैंक यू सो मच यार। कौन था ये जिसने बताया? कैसे पता चला तुम्हें? पता है तुम्हें? गुड यार। नहीं, अच्छी बात है, मतलब
देखो मैंने शुरू में ही कहा था कि जरूरी नहीं है मैं ही सब कुछ सिखा के जाऊँ, मैं आपसे बहुत कुछ सीख के भी जाऊँगा, किसी के बाप का थोड़ी है इल्म। तो ये जो है ना फेंकते थे ऐसे दीवार पे यूँ, और वो अटक जाता था ऊपर कहीं ना कहीं स्टक हो जाता था जाके, तो बस उस पर चढ़ के फिर दीवार क्रॉस कर लेते थे। ये पहाड़ों पे चढ़ने के भी काम आता होगा ऑब्वियसली, अब तो खैर जदीद तरीके आ गए हैं और भी, ये पुराना आइटम हो गया। तो ये एंकर टैग काइंड ऑफ, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, इसका नाम एंकर क्यों रखा हुआ है इन्होंने, क्योंकि एंकर टैग जो है वो एक्चुअली हम एक दीवार पे खड़े हैं, दूसरी दीवार पे मारा फुड़ उस दीवार के ऊपर, इमेजिन करो वो मूवी कैरेक्टर जो है बैटमैन वैसे यूँ मारता है और वो यूँ घुड़ उधर पहुंच जाता है। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन के तो हाथ में लगा हुआ है ना वो काइंड ऑफ एंकर है। तो आप इमेजिन करें कि एंकर फेंक रहा हूँ मैं और वहाँ पहुँच जा रहा हूँ, एंकर फेंक रहा हूँ वहाँ पहुँच जा रहा हूँ। तो ये लिंक मुझे इसी तरह एक वेबसाइट से उड़ा के दूसरी वेबसाइट पे लेके जा रहा है। हाँ, अब थोड़ा थॉट क्लियर हुआ कि क्यों इसका नाम एंकर। मैं बड़ा क्यूरियोसिटी होती थी मुझे क्यों नाम रखा है इसका। तो मेरा ये ओपिनियन है, वो ज़रूरी नहीं है कि सही हो। तो ऐसे मैंने कहा यार शेयर कर लूँ आपसे। वेल, तो ये एक एंकर टैग हमने यहाँ पर बना लिया, और अब हमने अगला काम ये करना है, ठीक है, ये इसको बता रहा है कि रिजल्ट इस तरह का आपके पास शो होना चाहिए, हमारे पास भी ऐसा ही शो हुआ है। अच्छा, तो लिंकिंग टू अदर साइट, एक तो ये तरीका हो सकता है जो अभी हमने एंकर टैग लगाया उससे एक दूसरी साइट पे हम जा रहे हैं, ठीक है, तो वो तो हमने लगा कर देख लिया। इसने क्या किया, चार एंकर टैग लगाए हैं और चारों पर क्लिक करने से अलग अलग वेबसाइट पर ये जा रहा है और इसका रिज़ल्ट कुछ इस तरह का शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पे आपको एक बात इसने बताई है कि जो दूसरी वेबसाइट पे आप जाएंगे ना तो आपको वहाँ पे एब्सोल्यूट यूआरएल लगाना होगा, ठीक है। एब्सोल्यूट यूआरएल का मतलब ये होता है कि उस यूआरएल में शुरू से लेके आखिर तक पूरा एड्रेस होगा कि कहाँ जाना है, सही है, शुरू से लेके आखिर तक, यानी https://, और पूरा आखिर .html तक पूरा उसके अंदर एड्रेस होगा, दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट यूआरएल। अच्छा, लिंकिंग टू अदर पेजेस ऑन द सेम साइट, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आप एक ही वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस पे जा रहे हो, ठीक है। अच्छा, ये काम करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें एब्सोल्यूट यूआरएल नहीं लगाना है ये करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हम सेम साइट पर हैं, तो हमें क्या लगाना है, रिलेटिव यूआरएल। व्हेन लिंकिंग टू अदर पेजेस विद इन द सेम साइट you can use relative URL, these are like a shorthand version of absolute URLs, but because you do not need to specify the domain name, ठीक है। वो relative URL असल में ये होता है, मैं मिसाल दे के समझाने की कोशिश करता हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर मैं रिलेटिव बात करता हूँ कोई भी कि ये फ़ैन जो है इस टेबल से कितनी दूर है, तो ये मैंने रिलेटिव इसका डिस्टेंस बताया, ठीक है। तो रिलेटिव के अंदर कोई ना कोई अजम्पशन होती है, कोई ना कोई बेसिस होता है और उससे हम आगे उसको नाप रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं इस फ़ैन की लोकेशन एब्सोल्युटली बताऊँ तो वो क्या होगी, मतलब पूरे अर्थ में ये फ़ैन कहाँ रखा हुआ है, वो मोस्ट प्रोबेबली जीपीएस की कोई लोकेशन होगी जिस पर ये फ़ैन रखा हुआ है। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि इस टेबल से ये फ़ैन 4 इंच के फासले पे है, तो ये रिलेटिव डिस्टेंस बताया मैंने, यार इस लोकेशन ये वही है, लोकेशन जीपीएस की वही आएगी अल्टीमेटली, लेकिन मैंने रिलेटिव करके बताया और शॉर्ट वर्जन बताया इसका। तो इसी तरीके से जो रिलेटिव यूआरएल होता है वो क्या होता है, हम कहते हैं यहाँ से आगे जाओ, अब जहाँ पर पहले ही खड़े हो ऑलरेडी, हम पूरा नहीं बताते https://, पूरा नहीं बताते हैं, ठीक है। वेल, अभी हम इसको बनाकर देखते हैं तो ये मज़ीद चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब जैसा कि ये जिक्र कर रहा है कि लिंकिंग टू अदर पेजेस ऑन द सेम वेबसाइट, ठीक है, सेम वेबसाइट, तो हमने तो अभी तक ज़िंदगी में जो वेबसाइट बनाई है इस क्लास में उसमें तो पेज ही है क्या, है ना। तो अब एक काम करते हैं, हम मल्टीपल पेजेस वाली वेबसाइट तो पहले बनाकर देखें, तो उस पर फिर इसको लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। तो मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ इस काम के लिए,
और मैं कहता हूँ कि वेबसाइट विथ मल्टीपल पेजेस, सही है। अच्छा, इसको भी मैं एक फोल्डर में डाल देता हूँ। ठीक है, ये जो सारा काम हमने किया इसको भी एक फोल्डर में डाल देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं नाम देता हूँ 1.hello world और इसको दे देता हूँ मैं 2.website with multiple pages। तो अब हम जितना भी कोड करेंगे ना ऐसे 1, 2, 3 फोल्डर बना के करेंगे। अच्छा, लेकिन आपके लिए इंस्ट्रक्शन ये है कि जितना भी आप जितने भी असाइनमेंट्स, जितने भी टास्क आप करेंगे वो सब आपने अलग अलग रिपोजिटरी में करनी है। ठीक है, मैं सेम रिपोजिटरी में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि बार बार आपसे एक नई रिपोजिटरी का लिंक शेयर करना इज़ अ प्रॉब्लम। ठीक है, फिर अलग अलग रिपोजिटरी में कोड होगा तो आपको ढूंढने में परेशानी होगी, तो मैंने इसलिए सबको एक जगह रखा है क्योंकि आपने इस कोड को जब आप देखने हैं तो सारा कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाए। ठीक है, हाँ, रिपोजिटरी का नाम भी चेंज कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। आप सेटिंग में जाएंगे, आप रिपोजिटरी की सेटिंग में, एक तो आपके अकाउंट की सेटिंग है github.com पे, एक जब आप रिपोजिटरी के अंदर जाते हैं अपनी तो वहाँ पे एक सेटिंग आ रही होती है। ठीक है, आप शर्त ये कि वो रिपोजिटरी आपकी खुद की होनी चाहिए। ठीक है, और आप लॉगिन भी होने चाहिए, अदरवाइज वो बटन सिंपली वो नज़र ही नहीं आएगा आपको। ठीक है, किसी और की रिपोजिटरी को ज़ाहिर है आप एडिट तो नहीं कर सकते, तो आप अपनी रिपोजिटरी में जाएंगे, आपका लॉगिन होना ज़रूरी है, तो आपको एक बटन दिखेगा सेटिंग का, उसमें आप जाएंगे, वहाँ पे नाम चेंज करने का भी ऑप्शन है और नीचे जाकर डिलीट करने का भी ऑप्शन होगा। अच्छा जी, तो ये मैंने खोल लिया वेबसाइट विद मल्टीपल पेजेस। हम जैसा कि जानते हैं कि वेबसाइट में जो सबसे पहला पेज होता है वो क्या होता है, वो index.html होता है। ठीक है, तो मैंने एक index.html के नाम का पेज बना दिया और इस पर एक हेडिंग लगा दी मैंने कि दिस इज़ होम पेज। ठीक है, ये वो पेज होता है index.html जो सबसे पहले खुलता है ऑटोमेटिकली, सही है। उसके बाद के जितने पेजेस होते हैं उन सब का लिंक यहाँ इस पर होता है। जैसा कि आप facebook.com जब खोलते हैं तो उसका होम पेज खुलता है आपके सामने। ठीक है, और उस होम पेज पे बाकी तमाम पेजेस में जाने का लिंक लगा हुआ होता है और यही वजह है कि उसका नाम इंडेक्स रखा जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे जब आप बुक खोलते हैं तो सबसे पहला पेज इंडेक्स का होता है और उस इंडेक्स के पेज में बाकी आगे के जितने भी चैप्टर हैं सबके बारे में वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि उसका टाइटल क्या है, वो कौन से पेज नंबर पर है। ठीक है, तो इसको आप इंडेक्स का जो पेज है ना इसको आप बुक के पहले पेज की तरह कंसिडर करें। इमेजिन करें कि आपके पास एक ऐसी बुक है जिसको आप खोलते हैं, पहला पेज इंडेक्स का है और उस इंडेक्स में आप हाथ से टच करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उस पेज पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो काइंड ऑफ इस तरह का कुछ चल रहा है यहाँ पर। तो ये होम पेज ऑटोमेटिकली खुलेगा जिसका नाम index.html है। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों ने सवाल भी किया था कि सर दूसरा पेज तो इस नाम का नहीं हो सकता, अगर मैं index.html नाम का दूसरा पेज रखूँगा ये मुझे नहीं रखने देगा, कहेगा पहले से इस नाम का पेज मौजूद है। ठीक है, और हमें ये करना भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम contact.html बनाएंगे। ठीक है, जो पेज का नाम है उसके टाइटल के हिसाब से उसका नाम रखेंगे। ठीक है, और हमें क्या पेज चाहिए, 4 पेजेस की वेबसाइट है, अबाउट का पेज बना लेते हैं। ठीक है, और क्या बना लें, गैलरी बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इमेजेस वगैरह का भी चैप्टर भी आएगा तो हम इसी गैलरी वाले में कर रहे होंगे। वेल, तो index.html में आने के बाद मैंने क्या करना है अब। अच्छा, पहले तो उन सारे पेजेस पे जाके ना मैं एक हेडिंग लगा दूँ कि ये पेज है कौन सा, सही है, हर पेज पे जाके। अच्छा, हर पेज पे ये बेसिक HTML जो है ये आपने लिखना है। उसके बाद मैंने कहा H1 दिस इज गैलरी पेज। ठीक है जी, उसके बाद मैं कॉन्टैक्ट में आया और मैंने कहा दिस इज कॉन्टैक्ट पेज। सही है, तो चारों पेजेस पे मैंने अबाउट है, सही है जी, तो कॉन्टैक्ट, अबाउट, गैलरी और होम, तो टोटल हमारे पास ये 4 पेजेस हो गए। अच्छा, अभी अगर मैं क्या करता हूँ, अभी अगर मैं इसको लाइव सर्वर पे खोलने की कोशिश करता हूँ या बल्कि कॉपी पास्ट करके खोलते हैं, दिस इज़ मच सिंपलर अप्रोच। ठीक है, ये मैंने कॉपी पास्ट करके इस
पेज को ओपन किया है। तो आप देखिए लास्ट में ना इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिखा हुआ है। अच्छा, अब अगर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को हटा के मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, तो ये कॉन्टैक्ट का पेज खुल जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें अबाउट डॉट एच टी एम एल खोलूँगा तो ये अबाउट का पेज खुल जाएगा, राइट। लेकिन अब हमने क्या करना है इसी का, अब इसको मैं लाइव सर्वर पे भी सेम चीज़ करूँगा तो वही उसी तरह से ही बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल इसको मैं चेंज करूँगा तो जो पेज बोलूँगा वो वाला खुल जाएगा ये। अच्छा, अब मुझे एक अदद चाहिए यहाँ पे, क्या वाला नेविगेशन बार चाहिए मुझे, सही है। अच्छा, नेविगेशन बार के लिए मैं सबसे पहले नैव का एलिमेंट लगाऊँगा, सही है। अच्छा, नैव का एलिमेंट लगाने से स्क्रीन पर कुछ भी नज़र फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि ये नैव जो है वो सिमेंटिक एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा इस मतलब ये इसका जो बिहेवियर है वो डिव वाला है। अभी डिव भी हमने नहीं पढ़ा, वो भी आगे पढ़ेंगे। जस्ट एक बॉक्स है, हमें जस्ट एक बॉक्स जब चाहिए होता है हम कहते हैं डिव, यानी डिविजन। तो मैं यहाँ पर डिव लगा दूँ या नैव लगा दूँ, उसका बिहेवियर सेम रहेगा स्क्रीन के ऊपर, नज़र कुछ भी नहीं आएगा मुझे। लेकिन नेविगेशन, जब कोई क्रॉलर मेरी वेबसाइट पर आएगा, उसको विजिट करेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि ये नेविगेशन बार है ये वाला पार्ट। ठीक है, अच्छा नेविगेशन बार हमेशा हम कोशिश करते हैं कि टॉप पे रखें। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस के रिक्वायरमेंट है डिज़ाइन का कि बीच में हो या बिल्कुल नीचे हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये टॉप पर होता है। अच्छा, नेव बार के अंदर मैं क्या करूँगा, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लगाऊँगा मैं, यू एल, सही है। अच्छा, यू एल मैं क्यों लगा रहा हूँ, यू एल भी मैं सिमेंटिक रीजंस की वजह से लगा रहा हूँ, क्योंकि नेविगेशन बार के अंदर ना एक लिस्ट चाहिए होती है, जैसा कि बुक का जो पहला पेज होता है वो एक लिस्ट होती है एक्चुअली। ठीक है, वो एक लिस्ट होती है, उसमें तमाम चैप्टर्स होते हैं। तो मेरे पास जो भी क्रॉलर आएगा वो नेविगेशन बार देखेगा, उसके अंदर वो लिस्ट अगर उसको मिल जाती है तो उस लिस्ट में जितने आइटम हैं वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि मेरी वेबसाइट में इतने पेजेस हैं, सही है। तो इसलिए यू एल आप जहाँ पर भी बुक में ख़ास तौर पे जहाँ पर भी एग्जांपल देखेंगे वो इसी तरह बनी हुई होगी। ऑर्डर्ड है, एक मिनट देख लेता हूँ। नहीं नहीं, अनऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड इस वजह से क्योंकि इसमें हम अल्टीमेटली हम नंबर नहीं दिखा सकते ना, हमें अनऑर्डर्ड चाहिए। और कुछ ऐसा मतलब अनऑर्डर्ड शायद इस वजह से भी है कि ऐसा तो नहीं है ना कि पहले मैं होम पे क्लिक करूँ फिर ही मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ, मैं कहीं पे डायरेक्ट भी क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर्ड रखने का कोई रीज़न नहीं है, रख सकते हैं लेकिन अल्टीमेटली तो अब जैसे अगर एल आई मैंने लिखा है ना, अब ये मैंने इस तरह का कुछ बनाया है तो अल्टीमेटली तो मैंने ये डॉट भी छुपा देना है ना, वो मैं CSS के ज़रिए उसको हैंडल करूँगा। तो ये जो डॉट्स मेरे पास बन के आ रहे हैं ये अल्टीमेटली मैंने इसको छुपा देना है, तो इसलिए मैं अगर ऑर्डर लगाऊँ अनऑर्डर लगाऊँ इट डजेंट मैटर। लेकिन असूलन यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट लगनी चाहिए, जैसा कि हम देखते हुए आ रहे हैं कि दोनों का यूज़ कहाँ पे होता है। अच्छा, तो ये एल आई हमारे पास एक हो गया। अब इस एल आई के अंदर मैंने क्या करना है, यहाँ पे लगाना है मैंने एंकर टैग, क्योंकि हर एंकर लिस्ट का एक एक आइटम है कंसिडर किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखना है होम, ठीक है, और होम का एड्रेस मैंने क्या लगाना है, मैंने कहा डॉट स्लैश, कि जहाँ पे हो वहीं, सही है, क्योंकि इस पर क्लिक करने से मुझे किसी और पेज पे नहीं लेके जाना, यहीं रखना है। अब सवाल ये कि मैं यह लगा क्यों हूँ, वो अभी हम देखते हैं क्यों लगा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा मुझे चार चाहिए इस तरह का, दूसरा कौन सा चाहिए मुझे, होम गैलरी कॉन्टैक्ट अबाउट, सही है। गैलरी में डॉट स्लैश गैलरी, डॉट स्लैश का मतलब जहाँ खड़े हो वहाँ से, दिस इज़ अ रिलेटिव यूआरएल। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि आप एब्सोल्यूट यूआरएल लगाएंगे ना इस पर तो चल ये जाएगा फिर भी। मिसाल के तौर पे अगर मैं कॉन्टैक्ट पे राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी पाथ किया मैंने, अब कॉपी पाथ करने से ना एब्सोल्यूट यूआरएल कॉपी होता है, तो ये मैंने लगाया है ना, ये अभी तो चल जाएगा, ये राइट नाउ मेरे कंप्यूटर में चलेगा परफेक्टली। ठीक है, लेकिन क्या होगा, लेकिन इसका मैं बता देता हूँ कि होगा क्या इससे। ठीक है, मैंने होम पे क्लिक किया तो मैं इधर ही रहूँगा, होम पे ही रहूँगा। गैलरी पे क्लिक किया तो मैं गैलरी पे चला गया, बैक कॉन्टैक्ट पे किया तो मैं कॉन्टैक्ट पे नहीं चला, यार चलना चाहिए था इसको, बाय द वे इसको चलना चाहिए था, आई एम नॉट श्योर कि ये क्यों नहीं चला। अच्छा,
अच्छा ये लाइव सर्वर पे है ना इसलिए नहीं चला, ये इसको मैं कॉपी बात करके चलाऊंगा तो ये चलेगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट पे गया तो कॉन्टैक्ट पे चल रहा है, अबाउट पे गया तो अबाउट भी चल रहा है, गैलरी पे गया तो गैलरी पे चल रहा है, अच्छा और होम तो है ही होम। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कॉन्टैक्ट में कि जब मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ ना तो ये क्या करने की कोशिश करता है, एक पेज तलाश करने की कोशिश करता है रूट पे जाके, यूज़र मलिक डेस्कटॉप और बैज 9 का एक फोल्डर और ये सीक्वेंस। अब इमेजिन करो कि मैंने ये फाइल उठा के क्लाउड में भेज दी कहीं होस्टिंग पे, गिटहब पेजेस या किसी और जगह पे, तो उसमें तो ये चार पेजेस गए हैं ना, सिर्फ ये वाले चार पेजेस उसमें गए हैं। अब उसमें तो ये मलिक कहाँ से आएगा उसके अंदर, वो तो मिलेगा ही नहीं, तो वहाँ जाके चलना बंद हो जाएगा ये। यहाँ पे आपके कंप्यूटर में हो सकता है चले, लेकिन हो सकता है यहाँ पे भी ना चले, जैसे मेरे केस में लाइव सर्वर पे वो चलना बंद हो गया, क्योंकि लाइव सर्वर का जो एक्चुअल में फेनोमेना है ना, जो लाइव सर्वर का, वो मिमिक करने की कोशिश करता है क्लाउड के एनवायरनमेंट को, ठीक है। तो क्योंकि वो मिमिक करता है तो वही सेम बिहेवियर उसने यहाँ पे भी दे दिया मुझे। तो हम क्या करेंगे, इस एब्सोल्यूट यूआरएल को अवॉइड करेंगे। कब अवॉइड करेंगे हम, जब हमें सेम वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस पे नेविगेट करना होगा तो हम इसको अवॉइड करेंगे। और मैं रिलेटिव यूआरएल दोबारा से इस पे लगा देता हूँ, और रिलेटिव यूआरएल लगाने के बाद भी ये मेरे कंप्यूटर में इसका सेम बिहेवियर है, लेकिन क्लाउड में डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। मैं दोबारा से क्या कर लेता हूँ, लाइव सर्वर ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम है, वंस मैं अबाउट के पेज पे चला जाता हूँ तो मुझे बैक का बटन दबाना पड़ता है होम पे वापस आने के लिए, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं अबाउट के पेज पे मौजूद हूँ, अब मुझे कॉन्टैक्ट के पेज पे जाना है तो मैं डायरेक्ट नहीं जा सकता, मैं पहले बैक करूँगा और फिर मैं कॉन्टैक्ट पे जाऊँगा। और इसका क्या हाल है, सेम नेविगेशन बार मैं कहाँ पे भी लगा दूंगा, अबाउट पे भी लगा दूंगा, सही है। मैं होम पे खड़ा हूँ, मैं अबाउट पे गया तो मुझे सेम नेविगेशन बार दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मैं कॉन्टैक्ट पे चला गया तो यहाँ पे भी मुझे चाहिए वो, तो एक्चुअल मैं क्या करूँगा, मैं यही नेविगेशन बार तमाम पेजेस पे लगाऊँगा, सही है। रिफ्रेश किया मैंने, अब देखो होता क्या है, मैंने होम पे क्लिक किया मैं सही हूँ, मैंने गैलरी पे क्लिक किया मैं गैलरी पे आ गया, कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया कॉन्टैक्ट पे आ गया, अबाउट पे क्लिक किया मैं अबाउट पे चला गया, ठीक है। लेकिन अबाउट से जब मैं होम पे क्लिक करता हूँ, थोड़े आ गया मैं होम पे आ पा रहा हूँ, ठीक है। वेल, सम टाइम ऐसा हो सकता है कि आप होम पे ना पाए, उसका रीज़न ये है कि होम पे मैंने क्या लगाया हुआ है, डॉट स्लैश लगाया हुआ है, ठीक है। तो डॉट स्लैश से ऑटोमेटिकली वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को पकड़ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिख दूँ तो कोई मुजायका नहीं है, ठीक है। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम आप फेस करें तो आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिख भी सकते हैं। अच्छा जी, तो ये हमने क्या कर लिया, एक नेविगेशन बार बना लिया। अच्छा, होम हमने लगाया भी इसीलिए, मिसाल के तौर पर जब मैं होम पे मौजूद हूँ तो मैं होम पे खड़े होने के बाद मुझे होम पे जाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, बट मैंने होम यहाँ पे भी लिखा है। अब मैं गैलरी पे खड़ा हुआ हूँ तो मुझे गैलरी पे जाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन गैलरी यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि हमारा जो नेविगेशन बार है ना, वो हिलेगा डुलेगा मूव करेगा अगर हमने ऐसा नहीं किया तो। मतलब मैं गैलरी पे क्लिक करता हूँ, कॉन्टैक्ट पे अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो अभी ऐसा फील हो रहा है कि नीचे वाला पार्ट मूव कर रहा है, ऊपर वाला स्टिल है, ठीक है। शायद आप किसी अगर नॉन टेक्निकल बंदे को आप दें तो उसको लगेगा कि ऊपर वाला चेंज हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो फॉर द बेटर यूज़र एक्सपीरियंस हम नेविगेशन बार पूरा ही रखते हैं। तो हटा देंगे तो मसला ये होगा कि फिर आप नेविगेट नहीं कर पाएंगे ना, उस पेज से बैक आना पड़ेगा आपको, ये मसला है। नहीं भाई, वही मैं चलो करके दिखा देता हूँ क्या होगा। जैसे इंडेक्स का पेज है ना, इससे मैंने होम हटा दिया, ये यही मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। जब मैं गैलरी पे होता हूँ तो मैंने गैलरी हटा दिया, सही है। और जब मैं कॉन्टैक्ट पे होता हूँ तो मैंने कॉन्टैक्ट हटा दिया, और जब मैं अबाउट पे होता हूँ तो मैंने अबाउट हटा दिया, ठीक है। अब देखो होगा क्या, मेरा नेविगेशन बार ना इधर उधर भागेगा, मूव करेगा। मैं गैलरी पे आता हूँ, ये देखो जिधर हाथ रखा हुआ था वही गैलरी हट के कॉन्टैक्ट आ गया। अब मैं दोबारा करूँगा तो ये देख रहे हो, एक ही क्लिक पे अलग अलग बिहेवियर हो रहा है। अबाउट पे क्लिक करूँगा तो ये चेंज हो गया, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट
बेटर आमतौर पे लोग करते ही हैं इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कि उस बटन को ना डिसेबल भी मैं वो भी करके दिखाता हूँ कि लोग क्या और तरीके करते हैं इसके लिए ठीक है ये कर सकते हैं आप कि इसके ऊपर जैसे जब आप गैलरी पे खड़े हैं तो गैलरी के अराउंड आप एक बॉर्डर बना दें ठीक है इस तरह की कोई चीज़ कर सकते हैं आप जैसे अगर मैं होम पे खड़ा हूँ तो मैं होम के अराउंड एक बॉर्डर बनाने की कोशिश करता हूँ बॉर्डर 1 pixel नहीं हुआ वाई इसको ये भी बताना पड़ेगा ना किस कलर का बॉर्डर है ठीक है तो होम के अराउंड एक बॉर्डर बना हुआ गया अच्छा क्योंकि लिस्ट आइटम जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है वो पूरी जगह ले रहा है इस वजह से बॉर्डर भी आपको जहाँ तक एलिमेंट है वहीं तक बॉर्डर भी आपको नज़र आ रहा है ठीक है तो मे भी मैं इसका साइज़ भी कम कर सकता हूँ लेकिन ये CSS का टॉपिक है तो अभी इसको थोड़ा सा समझाने के लिए ही बता रहा हूँ मैं मैंने कहा कि भाई 200 pixel इसकी विड्थ हो जाए 200 भी ज़्यादा है कम कर देता हूँ ठीक है तो मैंने कहा यार ये 100 pixel इसकी विड्थ हो जाए अब यही सेम चीज़ मैं क्या करने लगा हूँ बाकियों पे भी जाके अप्लाई कर दूंगा लेकिन कौन से वाले पे जिस पेज पे हूँ मैं गैलरी पे जब मैं होऊंगा तो मैं ये चीज़ गैलरी पे लगा दूंगा ठीक है जब मैं कॉन्टैक्ट पे होऊंगा तो ये चीज़ मैं कॉन्टैक्ट पे लगा दूंगा और अबाउट में ये चीज़ मैं अबाउट पे लगा दूंगा तो अब कुछ इस तरह का फील होगा आपको ठीक है जस्ट टू इंडिकेट कि आप इस पेज पे इस वक्त मौजूद हैं इस तरह से आप अक्सर वेबसाइट पे देखते हैं कि जिस पेज पे आप होते हैं उस बार का कलर थोड़ा सा चेंज होता है या थोड़ा इम्बोज होता है या किसी भी किस्म की मुख्तलिफ स्टाइलिंग आप उस पर कर सकते हैं ठीक है फ़िलहाल इसको मैं कंट्रोल जेड करके गायब कर देता हूँ ताकि बाद में ये आपको कन्फ्यूज़ ना करें ठीक है और ये जो स्टाइलिंग मैंने की थी इन लाइन स्टाइलिंग दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड ठीक है तो इन लाइन स्टाइलिंग आपने नहीं करनी है इसी वजह से मैं इसको हटा रहा हूँ ठीक है जी तो हम वापस हमने पहले जैसा कर दिया इसको अब ये चार हमारे पास पेजेस हैं और चार पेज पे हम बहुत ईजिली नेविगेट कर पा रहे हैं अच्छा तो आसान था मुश्किल तो नहीं था अच्छा कितने आप में से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बुक पढ़ के पहले से इतना काम कर लिया कोई है आप में से ऐसा आपने कर लिया गुड यार वेल्डन आपने भी कर लिया आपने भी किया गुड यार सही है तो हमें ये वाली क्लास चाहिए के खुद से आप बुक पढ़ के ना आगे आगे जल्दी जल्दी करें अच्छा तो आप लोगों का असाइनमेंट क्या है इतना पढ़ाई करने के बाद कि शुरू में आपने एक CV की वेबसाइट बनाई थी राइट वो टास्क हो गया था अपना ये एक नया टास्क है तो इसको एक अलग रिपोजिटरी में बनाएंगे आपने अपने बारे में एक वेबसाइट बनानी है सही है अपने बारे में एक वेबसाइट बनानी है वो काइंड ऑफ CV होगी लेकिन चार पेजेस वाली होगी ठीक है जैसे CV के अंदर आपके पास डिफरेंट हेडिंग्स होती हैं कि भाई पोर्ट क्या होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन जॉब एक्सपीरियंस ऐसे होता है ना तो वो हर हेडिंग का एक अलग पेज होगा आपका ठीक है और आप अलग अलग पेज की चार पेज की एक वेबसाइट बनाएंगे अपने बारे में हाँ पोर्टफोलियो कह लें उसको या रिज्यूमे कह लें डिजिटल रिज्यूमे कह लें उसको आप कोई भी उसको आप नाम दे सकते हैं ठीक है इमेजेस भी बहुत सारे लोगों को आप में से लगाना आ गया है तो मे भी आप गैलरी का भी एक उसमें टैब रख सकते हैं जिसमें आपकी 2-4 इमेजेस होंगी आपको कहीं पे से कोई अवार्ड मिल रहा है या कहीं पे आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है इस तरह की जो इमेजेस आपके पास हैं जो आप दिखाना चाहते हैं अपने रिज्यूमे में ठीक है तो एक पेज आपका वो भी हो सकता है तो इट्स अप टू यू कि उसमें आप क्या क्या कुछ ऐड करना चाहें मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि 4 पेज की एक वेबसाइट आपने दिखानी है अच्छा जी तो हम अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि भाई ये क्या चक्कर है आगे अच्छा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ज़रा डिस्कस हो रहा है यहाँ पे ये इसको गौर से समझिएगा देखें अभी तो हमारे पास ना 4 पेजेस की वेबसाइट है तो हमने चारों पेजेस को सीधा सीधा रख दिया लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा आमतौर पे वेबसाइट में 4 पेजेस से काफ़ी ज़्यादा हो सकता है तो फिर आप क्या करेंगे तो फिर आपने ये करना है कि आपने अपने फोल्डर स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करना है इन अ वे कि उसमें एक फोल्डर होगा इमेजेस का तो जितनी भी इमेजेस आपकी वेबसाइट में इस्तेमाल हो रही हैं अच्छा आवाज़ साउंड बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं है माइक का
तो जितनी भी इमेजेस आपकी वेबसाइट में इस्तेमाल हो रही है वो एक फोल्डर में होंगी, दैट इज़ कॉल्ड इमेज या इमेजेस। अच्छा, फिर उसके अलावा जो रिलेटेड पेजेस होंगे उसको आप एक फोल्डर में इनकैप्सुलेट करेंगे। यहाँ पे इन्होंने ये पैराग्राफ भी लिखा है इस बारे में कि भाई स्ट्रक्चर जो है ना इन द डायग्राम ऑन राइट पेज, मतलब अगर फिजिकल बुक में आप होंगे तो राइट पेज पे वो दिख रहा होगा। तो ये कह रहा है कि द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फॉर अ फिक्शनल एंटरटेनमेंट लिस्टिंग वेबसाइट इज कॉल्ड एग्जाम्पल आर्ट, द टॉप लेवल ऑफ फोल्डर इज कॉल्ड रूट फोल्डर। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी जो वेबसाइट का या कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो होता है उसका जो रूट फोल्डर होता है वो कौन सा वाला होता है, जहाँ पे आपका index.html पड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपका रूट फोल्डर होता है। अच्छा, इसका एक नाम और भी होता है, वर्किंग डायरेक्टरी भी कहते हैं इसको, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा हुआ होगा कि इन योर वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट दिस फाइल, तो इसका मतलब होता है कि वो रूट पे बनानी है आपने, अपने प्रोजेक्ट के रूट पे, ठीक है। एक तो कंप्यूटर का रूट होता है, कंप्यूटर का रूट कौन सा वाला होता है, सी ड्राइव होता है विंडोज़ के केस में, और मैक और लिनक्स के केस में वो जो अलिफ मद्दा होता है वो जो होम डायरेक्टरी होती है। तो एक तो ये होता है कि आपकी हार्ड ड्राइव कहाँ से शुरू, जैसे अगर यूएसबी ड्राइव है आपकी तो यूएसबी का रूट क्या होता है, जब डायरेक्ट खोलते हैं तो जो चीज़ खुलती है वो रूट होता है, वहाँ पे आप डिफरेंट फोल्डर्स बना लेते हैं, फिर उसके अंदर काम चलता है। तो ये रूट जो होगा ना आपका, वो ये वाली जो जगह है ना वो रूट होगी। एग्जाम्पल आर्ट के नाम से एक फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर तमाम तरह चीज़ें हैं। अच्छा, इस फोल्डर के अंदर सबसे पहले एक index.html की फाइल है, ठीक है, जैसे कि मैंने जिक्र किया। तो ये index.html जहाँ पे पड़ा हुआ है ये रूट वाली जगह है। उसके बाद आप देखें इमेजेस का एक अदद फोल्डर है जिसमें तमाम तरह इमेजेस हैं। उसके बाद मूवीज़, म्यूज़िक और थिएटर, ये तीन फोल्डर हैं और इसके अंदर अलग अलग फाइलें जो रिलेटेड फाइलें हैं वो तीनों के अंदर इनकैप्सुलेट हुई हैं। इस तरह करके आप अपने क्या कहते हैं फोल्डर्स को और फाइलों को ऑर्गेनाइज करेंगे यहाँ पर। अच्छा, अब ज़रा आप गौर कीजिएगा कि फोल्डर्स में और फाइल्स में आपस में ना रिलेशन जो होता है वो पेरेंट और चाइल्ड का होता है, क्योंकि आपके जो कंप्यूटर में फोल्डर बन रहे होते हैं और फाइल्स बन रही होती हैं वो ट्री स्ट्रक्चर में बनती हैं। सही है, ट्री स्ट्रक्चर पता है सब लोगों को, ट्री स्ट्रक्चर का मतलब होता है नीचे एक ब्रांच होती है और उसके ऊपर फिर वो आगे दो हो जाती है, फिर दो से चार हो जाती है, फिर चार से 600 हो जाती है। सही है, तो दिस इज़ कॉल्ड ट्री स्ट्रक्चर। वो बंदे लगाने वाले काम में नहीं पड़े तुम लोग कोई भी, मुझे कहते हैं ना एक दफ़ा पैसे दो ज्वाइन करो फिर तीन बंदे लेकर आओ, फिर वो तीन बंदे और लेकर आओ, ऐसा उल्लू बनाते हैं पायरामिड स्कीम्स। उसमें भी वो जो बनाते हैं ना ये एक ऊपर आप लगे, आपके नीचे तीन लगे, फिर तीन के नीचे तीन, और आप ये 11 लाख रुपए आपके आ गए महीने। तो वो भी असल में जो बना रहे होते हैं वो ट्री स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं ना, कि रूट एक होता है, आप होते हैं वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, और उसके नीचे आपके नीचे आपके टीम मेंबर्स होते हैं जो आपको अमीर बना रहे होते हैं। तो ये उस वाले ट्री स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो जिस तरह आप अगर जो आपका जो ख़ानदान है, जैसे आपके अब्बू हैं उनके अब्बू हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपकी अभी तो ज़्यादातरों की आप में से शादी नहीं हुई है, मिसाल के तौर पे आपके चार बच्चे हैं, ठीक है, फिर उन चारों के दो दो या एक एक हैं, सही है, फिर उनके और आगे मजीद है। तो ये भी एक क्या चल रहा है, एक ट्री स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह आप नोट करें कि यहाँ पे एक फोल्डर को इन्होंने नाम दिया हुआ है कि ये पेरेंट है, और दूसरा ये म्यूज़िक वाला जो है ये चाइल्ड है। तो अच्छा, ये जो गौर से ये समझेंगे तो समझ आएगा, वरना रिलेटिव यूआरएल ना बहुत सताता है, फिर बाद में आंसू निकल जाते हैं। ये म्यूज़िक जो है ये इसका डायरेक्ट चाइल्ड है, ठीक है, यानी एग्जाम्पल आर्ट के अंदर इमेजेस जो है, ये फोल्डर जो है इमेजेस, ये एग्जाम्पल आर्ट का डायरेक्ट चाइल्ड है, ये वाला फोल्डर। ये फोल्डर भी एग्जाम्पल आर्ट का डायरेक्ट चाइल्ड है, ये फोल्डर भी एग्जाम्पल आर्ट का डायरेक्ट चाइल्ड है, और ये भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम्पल आर्ट के कितने चिल्ड्रन हैं, चार चिल्ड्रन हैं, और एक पांचवा index.html भी एक्चुअली इसका डायरेक्ट चाइल्ड है। अच्छा, इसी तरीके से अब यहाँ पर जिक्र हो रहा है ग्रैंड पेरेंट और ग्रैंड चिल्ड्रन का।
अच्छा एग्जाम्पल आर्ट का डायरेक्ट चाइल्ड इमेजेस है और इमेजेस का डायरेक्ट चाइल्ड ये लोगो डॉट जिफ है. तो लोगो डॉट जिफ का और इसका क्या रिलेशन हुआ? ग्रैंड पेरेंट और ग्रैंड चिल्ड्रन का, ठीक है. ये ग्रैंड पेरेंट है, ये ग्रैंड चिल्ड्रन है, ठीक है. इसी तरह ये डीवीडी वाला जो फोल्डर है और ये सिनेमा वाला फोल्डर है, ये मूवी का चाइल्ड है. तो ये वाला क्या हुआ? ग्रैंड चाइल्ड हुआ. अच्छा मिसाल के तौर पे आप इस चीज़ को आप समझ लो कि क्या चक्कर है इसका. बता रहा हूँ, यही तो मैं बोल रहा था कि सुनोगे गौर से तो पता चलेगा. मैंने एक फोल्डर बना दिया अपनी चार पेजेस वाली वेबसाइट में, एक फोल्डर बना के उसको एक्स्ट्रा पेजेस करके नाम दे दिया. अब एक्स्ट्रा पेजेस के अंदर मेरे पास एक अदद क्या है? index.html एक बना दिया मैंने, ठीक है, और एक मैंने abc.html बना दिया, ठीक है. अब मिसाल के तौर पे मुझे अबाउट में खड़ा हुआ हूँ मैं, और मैंने कहाँ जाना है? गो टू एक्स्ट्रा पेजेस abc.html, ठीक है. मुझे ये वाला काम करना है. मुझे ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या url लगाऊँ? डॉट स्लैश करके तो मैं नहीं लगा सकता abc.html, वो तो इधर है ही नहीं. तो मैं डॉट स्लैश करके पहले एक्स्ट्रा पेजेस में जाऊँगा और फिर abc.html में जाऊँगा, ठीक है. तो अब मैं जो एड्रेस बता रहा हूँ वो किसका बता रहा हूँ? वो डायरेक्ट चाइल्ड का नहीं बता रहा हूँ, एक ग्रैंड चाइल्ड का एड्रेस बता रहा हूँ, ठीक है. तो देखते हैं इसको चला के. मैं गया अबाउट में गया और abc.html खुल गया मेरे पास. abc.html क्योंकि खाली है तो इसलिए कुछ दिख नहीं रहा उसमें. abc.html में हम कुछ लिख भी देते हैं. सही है, abc.html में हमने लिख भी दिया कुछ ना कुछ. अच्छा इसी तरीके से अब मैं abc.html पे खड़ा हुआ. अब यहाँ से मुझे कहाँ जाना है? मैं abc.html पे खड़ा हुआ, यहाँ से मुझे गैलरी पे जाना है. गो टू मेन गैलरी. अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे? डॉट स्लैश. अब देखो abc और html इंडेक्स है इस लेवल पे, तो फोल्डर के अंदर तो मैं चला गया था, फोल्डर का नाम लिख के वापस कैसे आऊँगा? डॉट डॉट स्लैश करके आऊँगा. सही है, डॉट डॉट स्लैश का मतलब कि जहाँ पर मैं हूँ इससे एक फोल्डर पीछे. सही है, और एक फोल्डर पीछे जाके मैंने गैलरी का सिलेक्शन कर ली, ठीक है. तो abc से मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सीधा गैलरी पे वापस. सॉरी मेन फोल्डर मतलब? हाँ मुझे अगर इंडेक्स पे आना है तो मैं डॉट स्लैश, मतलब मैं तुम्हारा सवाल नहीं समझा शायद, लेकिन यहाँ पे गैलरी की जगह मैं इंडेक्स लिख दूंगा तो वो मेन पेज पे आ जाएगा. हाँ यहाँ पे मैंने कहा कि डॉट स्लैश, अब क्या लिखूँ आगे? वेबसाइट नहीं ना, डॉट स्लैश. देखो डॉट स्लैश मैं इसलिए यहाँ पे नहीं कर सकता, देखो डॉट स्लैश करूँगा तो मैं एक्स्ट्रा पेजेस के अंदर हूँ इस वक्त, ठीक है. तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पेजेस के जब मैं अंदर हूँ, यहाँ पे गौर करो, मैं जो है ना इस वाले फोल्डर के अंदर हूँ, तो मैं डॉट स्लैश करके आगे कोई भी नाम लिखूँगा तो वो इसके अंदर मौजूद फाइलों का नाम लिख सकता हूँ. बाहर आने के लिए ना मुझे, इससे बाहर आने के लिए मुझे डॉट डॉट स्लैश चाहिए. तो इससे वंस मैं बाहर आ गया तो मैं किधर आ गया? मैं इधर आ गया. सही है, अब डॉट डॉट स्लैश करके फिर मैं एक्स्ट्रा पेजेस लिख सकता हूँ. अब देखो डॉट डॉट स्लैश करके ना एक्स्ट्रा पेजेस भी आ रहा है, क्योंकि अब मैं कहाँ आ चुका हूँ? एक फोल्डर पीछे आ चुका हूँ. यार ये देखो, हाँ ये तुम्हारा अच्छा सवाल है, ऐसे भी कर सकते हो लेकिन बेहतर ये कि ऐसे करो, ठीक है. डॉट स्लैश पहले ये इस्टेब्लिश करो कि इस फोल्डर से बात हो रही है, उसके बाद आगे जो भी लगाते रहो. सही है, बेहतर ये है. अच्छा सिर्फ स्लैश और डॉट स्लैश तो अलग अलग है, ये तो हम देख चुके हैं पहले ही, ठीक है. तो बेहतर है कि इस तरीके से कर लो, ठीक है. तो हमें ये समझ आ गया.
अच्छा अब कौन मुझे बताएगा कि ये इमेजेस का फोल्डर और ये मूवीज का फोल्डर ये आपस में क्या हुए? सिबलिंग्स हुए, भाई बहन हुए, ठीक है। तो सिबलिंग्स पे जाने के लिए मुझे डॉट स्लैश करके उसका नाम लिखता हूँ तो मैं बहुत ईजिली उस पर जा सकता हूँ। अच्छा यहाँ पे इस चीज़ को ना बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट भी किया हुआ है कि अगर आप सेम फोल्डर में होंगे तो आप क्या कर सकते हैं, उसका डायरेक्ट आप नाम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट नाम मतलब डॉट स्लैश करके आप डायरेक्ट नाम लिखते हैं उसका। अच्छा चाइल्ड फोल्डर अगर है तो आप क्या करेंगे, स्लैश म्यूजिक स्लैश लिस्टिंग डॉट, यानी उस फोल्डर का नाम जिस चाइल्ड के अंदर है वो, उसके बाद उस फाइल का नाम, ठीक है। ग्रैंड चाइल्ड होगा तो मतलब दो फोल्डर के अंदर हो तो भी कोई मसला नहीं है, दो फोल्डरों के अंदर जाके लिख देंगे। अगर बैक आना होगा, एक स्टेप पीछे आना होगा तो डॉट डॉट स्लैश, ठीक है। अगर दो दफ़ा बैक आना होगा तो दो दफ़ा डॉट डॉट स्लैश। तो इसको करके देखने से फिर आपको पता चलेगा, अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा अब हमारे पास जो है ना एक ऐसा लिंक है जिस पर क्लिक करने से क्या खुलता है, ईमेल का सॉफ्टवेयर खुल जाता है, ठीक है जी। तो मैंने ये लिंक लगाया है यहाँ पर और हमारा जो कॉन्टैक्ट का पेज था, कॉन्टैक्ट के पेज में मैंने क्या कर दिया, ये लिंक पेस्ट कर दिया। और इसको मैं किस में रैप करूँगा, कौन से एलिमेंट में, एड्रेस के एलिमेंट में ना, सही है कि ये एड्रेस वाली चीज़ें हैं तो यहाँ पे मैं एड्रेस वाला इसमें रैप करूँगा, जो हम किस में पढ़ चुके हैं, सिमेंटिक एलिमेंट्स जब हम देख रहे थे तो उस वक्त हमने ये डिस्कस किया था। अच्छा अब इसमें नोट करो कि ईमेल लिखी हुई है सिंपल सी, लेकिन उससे पहले एक बात लिखी हुई है मेल टू, ठीक है। तो ये एक प्रीफिक्स है, ये आपने लगाना होता है इसके साथ। तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मलिक एट द रेट सिसबॉल डॉट कॉम, ठीक है। तो जैसे ही इस लिंक पे कोई क्लिक करेगा कि ईमेल मलिक, तो ईमेल का अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, अगर तो नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। कॉन्टैक्ट में मैं गया और ईमेल मलिक पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो इसने क्या ओपन किया, gmail.com ओपन कर दिया, ठीक है। क्योंकि मेरे पास गूगल क्रोम की सेटिंग में ऐसा मैंने बताया हुआ है कि गूगल क्रोम इज़ माई डिफ़ॉल्ट ईमेल सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये आप बता सकते हैं। तो इसने देखो एक gmail.com पे आके ना एक नई ईमेल खोल के और उसमें ये टू में जाके ना वो एड्रेस लिख दिया। हाँ अच्छा एक मज़े की बात और है कि हम इसमें एड्रेस के साथ साथ ना सब्जेक्ट और टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे होता है वो बुक में डिस्कस नहीं हुआ हुआ, लेकिन मैं मेल टू लिंक MDN लिखूँगा ना तो वो सब्जेक्ट भी उसमें बता देते हैं वो कि किस तरह होता है। MDN वेयर इज MDN, ये भी भेज देता हूँ। अच्छा यहाँ तो नहीं मिल रहा, मेल टू विद सब्जेक्ट करके लिखता हूँ मैं, तो शायद कोई अलग से किसी ने बताया हो, ठीक है। इस लिंक पे मैं सब्जेक्ट भी डाल सकता हूँ, आइए रहा ना। देखो ईमेल के बाद ना क्वेश्चन मार्क लगा के और जो भी आप बात लिखेंगे ऐसे करके सब्जेक्ट इक्वल्स टू करके तो वो सब्जेक्ट में चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा के मैंने सब्जेक्ट लगा दिया टेस्टिंग आउट मेल टू, तो अब मैं इस पर जब क्लिक करूँगा तो ना सिर्फ मेरे पास टू में ईमेल लिखा हुआ आना चाहिए बल्कि मेरे पास सब्जेक्ट भी लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। दोबारा से क्लिक किया मैंने, सब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं आया, वेल ठीक है। बट आइडिया आपको मिल गया होगा कि इस तरह से हो सकता है यहाँ पे ना, कि वहाँ पे ना सिर्फ
सब्जेक्ट इक्वल टू टेस्टिंग आउट मेल टू, टेस्टिंग आउट मेल टू। अच्छा बॉडी भी आप ऐड कर सकते हैं, बॉडी का भी इन्होंने ऐड करना बताया हुआ है कि किस तरह से ऐड होगा। अच्छा कुछ नोट भी लिखा है, कीप इन माइंड दैट इफ़ यू आर यूजिंग वेब मेल सर्विस एज याहू और जी मेल इट विल नॉट ओपन दीज सर्विसेज टू स्टार्ट एन ई मेल दीज लिंक्स आर दिस दिस। नहीं ये तो नहीं, अब तो ये शायद पुराना आर्टिकल है, ये चीज़ अब हो चुका है ठीक है, जी मेल भी अब खुल जाता है उसके क्लिक से ठीक है। वेल तो आप इसमें सब्जेक्ट और बॉडी भी ऐड कर सकते हैं। अब ये शायद क्योंकि आर्टिकल पुराना है तो उसमें तरीका शायद आउट ऑफ डेट हो गया ये वाला, तो आप इसको अलग से सर्च कर लेंगे कभी भी अगर ज़रूरत पड़ी आपको कोई बहुत ही अर्जेंट। वैसे अब तो ईमेल यूज़ नहीं होता, तो जल्दी से आप लोग आप नमाज़ पढ़ने चले जाएँ, वापस आके हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट्सएप का लिंक कैसे बनाया जाए, कि एक ऐसा लिंक जिस पर क्लिक करने से व्हाट्सएप खुल जाए और वो उस नंबर का मैसेज खोल देंगे और उसमें थोड़ा सा कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ जाए, जस्ट मैं हिट करूँ एंटर और वो सेंड हो जाए। तो व्हाट्सएप वाला लिंक हम जनरेट करना सीखेंगे वापस आके। चलो जी अच्छा यार अच्छा मैं ये मेल टू वाला लिंक देख रहा था तो विकिपीडिया का एक पेज खुल गया, इसमें इन्होंने जो लगाया हुआ ना लिंक, तो ये डिस्कनेक्ट हो गया, लगा देता हूँ दोबारा। तो ये वाले जो लिंक है ना ये तो बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें सब्जेक्ट भी आ रहा है और वो भी आ रहा है। तो इसमें से एक लिंक मैंने कॉपी करके यहाँ पे लगाया हुआ ये वाला, तो इसमें भी इसी तरह किया हुआ है इसने सब्जेक्ट, लेकिन हमारे वाले लिंक से ये डिफरेंट कैसे है ये मैं देखना चाह रहा हूँ, आप भी देखें। अच्छा इसमें ये किया हुआ है कि स्पेस की जगह ना ये एम परसेंट 20 किया हुआ है ठीक है, इसको बोलते हैं एस्केप कैरेक्टर्स ठीक है, एस्केप और अनएस्केप कैरेक्टर जब आप करेंगे ना तो इस तरह से ये हो जाता है, स्पेस की जगह पे परसेंट 20 लिखा हुआ है इन्होंने ठीक है। और दिस इज़ द सब्जेक्ट करके ये हो गया, उसके बाद क्या किया इन्होंने एम परसेंट लगाया, ये रहा एम परसेंट और उसके बाद सीसी लिखा है, सीसी में भी जो ईमेल लिखनी है वो यहाँ पे आप ऐसे दे सकते हैं। फिर उसके बाद एम परसेंट लगा के बॉडी लिखा है और बॉडी में भी जो टेक्स्ट लिखा है दिस इज़ बॉडी, उसमें स्पेस की जगह ना एम परसेंट 20 है। तो ये ना एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं, इसमें अगर कोई टूल मिल जाए फ़ौरन से मुझे कन्वर्ट प्लेन टेक्स्ट इनटू यूआरएल फ्रेंडली टेक्स्ट, सही है। तो ये रहा यू आर एल इनकोडेड बोलते हैं, ये मैं जहन से निकल रहा था, एस्केप नहीं बोलते, एस्केप अलग चीज़ है, इसको यू आर एल इनकोडेड बोलते हैं। तो मैंने लिखा ना कि आई एम गुड सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और मैं इसको जब इनकोड करूँगा तो ये मुझे कुछ इस तरह का देखो लिखा हुआ दे देगा ठीक है। वेल इसने इसको परसेंट 20 क्यों नहीं बनाया, अच्छा इसका एक आसान हल भी है, इसको आप इधर पेस्ट करेंगे ना और ओके वेल किसी भी यूआरएल के बाद आप इसको स्लैश करके अगर लगाएंगे ना अगर तो ये ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट हो जाता है वही वाले में, सही है। मतलब कोई भी यूआरएल है इसका एक शॉर्टकट सा तरीका है ये, अब इसके आगे स्लैश करके ना मैंने ये वाली बात पेस्ट कर दिया आई एम गुड सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, तो अब आप नोट करें ये क्या बना दिया इसने, ये वही ना यू आर एल इनकोडेड बना दिया इसने ठीक है। तो मे बी यू कैन ट्राई वो प्लस वाला आइटम या यू कैन ट्राई दिस वन, तो ये चल रहा है। अच्छा इस पर मैं क्लिक करने की कोशिश करता हूँ जब, तो ये इसको सही क्लिक कर देता है, बंद हो गया ये, इसको दोबारा खोलते हैं, सही है। ये सेकंड वाला जो क्लिक है ना इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो वो ईमेल एड्रेस सीसी और सब्जेक्ट तीनों लिखा हुआ मुझे देता है, सही है। ये देखो टू और सीसी दोनों आ रहा है, दो ईमेल अलग अलग है, एक सब्जेक्ट आ रहा है और उसके बाद फिर बॉडी आ रही है, जस्ट मैंने सेंड का बटन दबाना ये सेंड हो जाएगा। ऑफकोर्स मैं बॉडी को शायद थोड़ा बहुत चेंज करना चाहूँ। अच्छा इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कहाँ पर यूज़फुल रहती हैं कोई बता सकता है? फिक्स मैसेज क्यों करेगा, मतलब क्या कब ऐसी ज़रूरत पड़ेगी कि मुझे? एफएक्यूज़ में तो नहीं, एफएक्यूज़ क्या मतलब? नहीं
और किसी के पास कोई बेहतर ओपिनियन? हाँ जी, बहुत अच्छा उन्होंने जवाब दिया। टाइम बचाने के लिए ऐसा हो सकता है कि मतलब वो ईमेल एड्रेस जस्ट उसको मैं दिखा रहा हूँ ना, तो जब वो ईमेल लिखेगा तो उसको ईमेल कॉपी करके उधर पेस्ट करना होगा, फिर उसको एक सॉफ्टवेयर अलग से ओपन करना होगा। तो बेहतर ये कि मैं क्लिक करूँ, सॉफ्टवेयर खुद ही ओपन हो जाए, खुद ही लिखा हुआ जाए, ठीक है। तो ये तो ईमेल लिंक इन जनरल टाइम बचाने के लिए आपको बनाया गया। नंबर दो, इसमें जो बॉडी में लिख कर दे रहा हूँ, पहले से बॉडी में कुछ लिख कर देना, इसका क्या सेंस है? इसकी ज़रूरत कब पड़ सकती है? बिल्कुल, इन्होंने जवाब दिया है काफ़ी अच्छा कि उस केस में जब आप चाहते हो कि जब बंदा ईमेल करने जाएगा ना, तो आपको लगता है कि यार ये वाला पार्ट तो लिखेगा ही वो ईमेल में। जैसे अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी बैंक है कोई, ठीक है, उसमें अब अगर कोई मैसेज कर रहा है तो वो शायद शुरू में मैं लिख दूँ कि भाई हाय अस्सलाम वालेकुम वगैरह टाइप की कोई चीज़ है, या लास्ट में कोई उस तरह की कोई चीज़ है, तो वो मुझे पता ही कि यार ये बात तो उसने लिखनी लिखनी है, तो मैं वो पहले से लिख कर बता सकता हूँ मे बी, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा यूज़र है जब वो मुझे ईमेल करे तो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में करे, एक स्ट्रक्चर्ड वे में करे। मिसाल के तौर पे मैं एक कंप्यूटर कंपनी हूँ या मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी हूँ, मेरा जो कस्टमर है वो मेरा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, अब वो मुझे करने जा रहा है कंप्लेन, उस सॉफ्टवेयर में कोई चीज़ चलना बंद हो गई है, कोई ऐसा मसला आ गया है, वो मुझे करने जा रहा है कंप्लेन, तो अब उस कंप्लेन में वो क्या लिखेगा? मतलब एक ईमेल है, उस पर क्लिक किया, अब वो ईमेल में क्या लिखेगा? मिसाल के तौर पे कोई रसीद है, वो प्रिंट का बटन दबाने से प्रिंट नहीं निकल रहा, अब वो क्या लिखेगा ईमेल में कि रसीद प्रिंट नॉट वर्किंग सेंड? अब जब मेरे पास वो ईमेल पहुंचेगी, मैं बोलूँगा रसीद प्रिंटिंग नॉट वर्किंग, इससे मैं क्या समझूंगा? तो बैक एंड फोर्थ मुझे दो तीन ईमेल करनी पड़ेगी कि भाई प्रिंटर कौन सा है आपके पास, क्या प्रिंटर सही तरह कनेक्ट हुआ हुआ था आपके पास, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, हमारे सॉफ्टवेयर का वर्जन कौन सा है, लेटेस्ट वाला है या कोई पुराना वर्जन है, या और भी इस तरह के कई सवाल जो मैं बैक एंड फोर्थ फिर सवाल जवाब करूँगा। तो बेहतर ये है कि जब वो सपोर्ट के ईमेल पे क्लिक करे तो पहले से उसके पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ आ जाए कि भाई योर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन, ठीक है, और योर लास्ट पेमेंट डेट, सॉफ्टवेयर तो पेमेंट से चलता है, ठीक है, व्हाट इज़ द मॉडल नंबर ऑफ योर कंप्यूटर, व्हाट इज़ द मॉडल नंबर ऑफ योर प्रिंटर, लाइक दीज थिंग्स, जो भी बेसिक डिटेल्स हैं जो मुझे चाहिए होती हैं। जैसे अभी गिटहब के किसी प्रोजेक्ट में आप जाके इशू क्रिएट करेंगे ना, जब गिटहब के अंदर, क्योंकि सोशल मीडिया है डेवलपर्स का, तो वहाँ पे जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बने हैं उसमें इशू क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको उसको इस्तेमाल करने में कोई दुश्वारी आ रही है, तो उन्होंने उसका एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है कि भाई इस स्ट्रक्चर में आपने जो है ना इशू क्रिएट करना है, और एक रिक्वायर्ड डिटेल होती है। तो सम टाइम जैसे आप खाने के लिए ऑर्डर कर रहे हैं, तो खाने के लिए जब आप ऑर्डर करेंगे ईमेल के थ्रू कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, व्हाट्सएप के थ्रू होता है, लेकिन व्हाट्सएप पे भी ये बात इम्प्लाई होती है, सेम जो इधर हो रही है वही व्हाट्सएप पे भी इम्प्लाई होगी। अभी हम उसका भी लिंक चेक करते हैं कैसे बनेगा। तो वहाँ पे खाने के ऑर्डर में जब मैं क्लिक करूँ व्हाट्सएप के लिंक पे या ईमेल के लिंक पे, तो जो मैसेज एक पहले से लिखा हुआ आ जाए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, कि एक्स्ट्रा टॉपिंग चाहिए, यस नो, ठीक है, और लास्ट में मैं एपेटाइज़र में कुछ चाहिए तो एपेटाइज़र की हेडिंग वेडिंग में पहले से लगा दूँ, सही है, जैसे रिश्ते वालियाँ मैसेज भेजती हैं ना किसी का हुआ इत्तफाक होगा अभी तो रिश्ते वाली जो है ना वो मैसेज भेजती है जिसमें बहुत लंबी एक लिस्ट होती है और वो ब्लैंक्स होते हैं, खाली होती है, तो वो आपको फिल करके भेजनी होती है, ठीक है, तो उसमें सारी चीज़ें होती हैं कि आपका घर है? नहीं चल तो नहीं रहा है मेरी, तो मैं गुजर गया बस मरहले से, जब ही बता रहा हूँ ना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें सारी डिटेल्स होती हैं कि आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, आपका घर कितना बड़ा है, ज़मीन वाला है या ऊपर फ्लोर वाला है, गाड़ी कौन सी है आपके पास, क्या मॉडल है,
गाड़ी का, सही है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं जो कि अनएथिकल है, ठीक है। तो इस तरह का अगर स्ट्रक्चर आपको चाहिए हो, मतलब लड़के से आपको इस लेवल की डिटेल्स चाहिए हो ना, तो सिर्फ उसको ये बोलने से काम नहीं चलेगा कि अपनी डिटेल भेज दें। तो रिश्ते वाली बकायदा एक लंबा सा स्ट्रक्चर्ड मैसेज भेजती है कि भाई इसको फिल करना है आपने, आपका कास्ट क्या है, आपका सेक्ट क्या है, आपका रिलीजन क्या है, और कौन से मौलवी साहब के मुरीद हैं आप, सब उसमें लिखा हुआ होता है। हाँ, ये बड़ा मसला होता है उनके यहाँ कि मतलब किसी शिया को सुन्नी से तो नहीं करवा सकते ना, वो तो लड़ पड़ेंगे फिर आपस में, ठीक है। तो वो कहते हैं कि भाई आपके सेक्ट का हम आपको ढूंढ के देंगे। वेल, तो ये हमने मेल टू लिंक देख लिया, ईमेल वाला, अब यही हमने देखना है कौन सा वाला, भला व्हाट्सएप वाला देखना है, ठीक है। तो अब हम ज़रा देख लेते हैं कि व्हाट्सएप URL देखते हैं, सर्च करते हैं, हाउ टू लिंक व्हाट्सएप फ्रॉम अ डिफरेंट ऐप, यस दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। अच्छा, तो जी जनाब ये है हमारे पास एक एग्जांपल, इसको आप देखें क्या है, एक बकायदा लिंक है, एब्सोल्यूट URL है w8.me, और उसके बाद स्लैश के बाद ना आपने वो फ़ोन नंबर डालना है जिसके ऊपर मैसेज आप भेजना चाहते हैं, वो अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है, बगैर स्पेस के भी, या प्लस इंटरनेशनल फॉर्मेट जो है वो भी एक्सेप्टेबल है इसमें। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क करके टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसमें बॉडी लिखा हुआ था और CC था, इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, और टेक्स्ट के बाद इसमें एक टेक्स्ट है जो कि URL फ्रेंडली फॉर्मेट में है, ठीक है, URL इनकोडेड फॉर्मेट में। अच्छा, ये डोंट यूज़ लिखा हुआ है, नहीं चल वैसे ये भी जाता है, लिखा हुआ तो इन्होंने डोंट यूज़ है, वेल चला कर देखते हैं, ठीक है, चला कर देखते हैं कि वो चलता है कि नहीं चलता। से साथी जो हमसे नफरत है, तो ये मैंने क्या कर दिया, एक अदद और, यू कैन ऑल्सो सेंड मी व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है जी। अच्छा, ये डबल डबल ईमेल का लिंक हो गया, इसमें से एक मैं उड़ा देता हूँ, जो सही वाला है उसको रख लेते हैं हम, जो गलत वाला है उसको हम उड़ा देते हैं, ठीक है, BR लगा के इसको ज़रा लाइन चेंज कर देते हैं। और हमारे पास अब जो पेज है वो, अरे वो पेज कहाँ गायब हो गया, हाँ जी, ठीक है, ईमेल कर सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, व्हाट्सएप मैसेज, आई थिंक इसको मुझे इतना टेक्स्ट रखना चाहिए अंदर, बाकी का मुझे बाहर निकाल देना चाहिए, सही है, मच बेटर। तो अब जब मैं व्हाट्सएप मैसेज पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करता है, मेरे पास ऑटोमेटिकली क्वेरी आती है कि भाई कंटिन्यू चैट, ठीक है, ये नंबर है, इस पर कंटिन्यू चैट करनी है, तो ओपन व्हाट्सएप डॉट ऐप, मे बी ये मेरा व्हाट्सएप वेब खोले, या हाँ इसने तो मेरा ये वाला व्हाट्सएप खोलने की कोशिश की है, अब ये जो नई इनकी अपडेट आई है ना, इसमें तो ज़िंदगी आधी कर देता है ये ओपन होने होते में, तो देख रहे हो लोडिंग योर चैट्स, ये पहले नहीं होता था, ये जब से मल्टीपल डिवाइसेस आई है ना, जब से ये मसला होना शुरू हो गया। वेल, मेरे साथ तो ये है कि मैंने ये यूज़ करना ही छोड़ दिया है वेब वाला, जब से ये फीचर आया है ना मल्टीपल डिवाइस वाला, क्योंकि मैं खोलता हूँ फिर इतने देर में कुछ और काम करने लगता हूँ, फिर मैं भूल ही जाता हूँ, फिर मैं फ़ोन ही उठा लेता हूँ इतने, मतलब जितनी देर में यहाँ भाई डेस्कटॉप पे व्हाट्सएप का क्या मतलब था कि फ़ोन को हाथ में लगाना पड़े ना, तो मैं इतनी देर वेट करूँ, मैं उससे अच्छा फ़ोन ही उठा लूँ। लेकिन ये सेल्स वगैरह वालों के लिए बड़ा अच्छा हो गया, क्योंकि वो एक ही व्हाट्सएप ना 3-4 लैपटॉप पे खोल के 4 बंदे बिठा देते हैं और वो आता रहता है मैसेज, तो उस तरह के केसेस के लिए, या जैसे मेरा अगर कोई एम्प्लॉय है उसको मैंने व्हाट्सएप खोल कर लॉगिन करवा के देना है, तो उसके लिए तो ये बेहतर है, लेकिन इन पर्सन मतलब मेरे लिए कुछ अच्छी बात नहीं हुई है ये। अगर खुल जा आज की ज़िंदगी में भाई,
वेल जितनी देर में मैं अपना नंबर लगा देता हूँ ना इसमें यार। अच्छा मैं क्या करने लगा था, हाँ इसमें मैं अपना नंबर फिट करने लगा था, अपना नंबर ही कर दूँ, चलो अपना ही कर देता हूँ। मैंने कहा +9230222204480, ठीक है, तो ये मेरा नंबर आ गया असली वाला फर्जी नंबर नहीं है ये। अच्छा वो तो इसने जो पहले वाले नंबर पे क्लिक किया था उसने बोला भाई दिस नंबर इज़ नॉट वैलिड, ये बोल के बात ख़त्म कर दी। लेकिन अब की बार इसको काम करना चाहिए, क्योंकि अब की बार मैं इसको मेरा नंबर देने लगा हूँ, ये गायब क्यों हो जा रहा है बार बार। अच्छा, वो इसलिए गायब हो गया था। ये मैंने क्लिक किया, ओके, ओए ये स्टिल पुराने नंबर पे क्यों जा रहा है। अच्छा रिफ्रेश मुझे करना पड़ेगा इसमें, यार मैंने सेव नहीं किया, यहाँ से सेव तो किया है, सही है नंबर भी ठीक है बिल्कुल। अच्छा एक मिनट, इसको यहाँ से भी मैं इंस्पेक्ट करके देख लेता हूँ, हाँ यार नंबर तो मेरा ही इसमें आ रहा है। अच्छा अब क्लिक करते हैं ज़रा इसको, हाँ एक मिनट, ठीक है अब की बार इसने मेरा नंबर सही पकड़ा है। कंटिन्यू टू चैट ओपन व्हाट्सएप डॉट ऐप, स्टार्टिंग चैट हो गया, ठीक है। तो ये मैंने अपने आप को ही कुछ मैसेजेस भेजे हैं तो वो मुझे दिख गए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट जो मैंने लिखा था वो भी टेक्स्ट लिखा हुआ आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैंने जस्ट एंटर प्रेस करना है और ये मैसेज चला जाएगा। सॉरी, बस ये डॉक्यूमेंट्स में अब जो जो चीज़ें मौजूद है ना वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट, फोटो, लिंक, वीडियो, ओके गुड वेल, PDF डॉक्यूमेंट कर सकते हैं आप। अब इन सबका जो लिंक है ना आपके पास वो इन्होंने बनाना नहीं बताया, सही है, इन सब का लिंक बनाना नहीं बताया। तो वेल ये डॉक्यूमेंट पब्लिक है, आप चाहें तो इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि अब ईमेल वाला लिंक थोड़ा पुराना हो गया है, अभी व्हाट्सएप का दौर ज़्यादा आगे आ गया, तो इसलिए मैंने सोचा कि व्हाट्सएप का लिंक भी आपको पता होना चाहिए कैसे बनता है, ठीक है। और अच्छा ये जो शेयर एक्सटेंशन बता रहे हैं ना, ये असल में आईफोन की ऐप से बता रहा है ये, कि अगर आप आईफोन की ऐप से क्लिक कर रहे हो ना किसी बटन पे और उससे आपने व्हाट्सएप खुलवाना है तो ये उसका जिक्र हो रहा है शायद। इंट्रोड्यूसिंग iOS 8 शेयर एक्सटेंशन प्रोवाइड द कन्वीनियंट वे दैट, मतलब मोबाइल ऐप के अंदर कोई फोटो है वो आपने शेयर करनी है व्हाट्सएप के ऊपर, तो ये उसके लिए बता रहा है, ठीक है, ये URL वाला नहीं बता रहा। नहीं नहीं ये देखो अभी जो मैंने ये URL बताया ना ये तो यूनिवर्सल है वेब में, ये असल में WhatsApp का डॉक्यूमेंट है, WhatsApp वालों का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ये, तो इसमें जाहिर है वो हर चीज़ को टारगेट कर रहे हैं। अब आईफोन की जो नेटिव एप्लीकेशन है वो तो आपका टॉपिक ही नहीं है, ये उन लोगों के लिए है ये वाली बात, ठीक है, ये आपके लिए नहीं है। वेल तो इसको मैं वापस बंद कर देता हूँ और हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये WhatsApp का लिंक हमने लगाना सीख लिया, हमारे पास टाइम तो ओवर हो चुका है, देखते हैं। अच्छा ओपनिंग लिंक इन अ न्यू विंडो, तो न्यू विंडो में ओपन कर लेंगे ना आपने बहुत ही सिंपल से काम करना है, टारगेट अंडर स्कोर ब्लैंक ये करना है आपने। ये आप कब करना चाहेंगे, जैसे कि आप मेरे केस में देख रहे हैं कि जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो मेरी वेबसाइट
खत्म हो जाती है और ये वाली वेबसाइट आ जाती है। और दो तीन दफ़ा आपने देखा ऐसा हुआ, मैंने कहा यार मेरी वेबसाइट कहाँ गुम हो गई, दो से तीन दफ़ा हुआ मेरे साथ ऐसा। ठीक है, तो आप बेहतर आपके लिए ये है कि इस लिंक को आप जब क्लिक करें बंदा तो एक नई विंडो में ओपन करना है, और ईमेल वाले के इसमें भी आप ये काम कर सकते हैं। इसको तो बंद करूँ मैं, ये कोड मेरा कहाँ चला जा रहा है, कोड इधर होना चाहिए और बुक उससे भी इधर होनी चाहिए, ये खुद से पता नहीं कैसे आगे कर देता है। ठीक है, तो आप मैंने इधर क्या लगा दिया, टारगेट अंडर स्कोर, अच्छा टारगेट और कौन कौन से हैं वो भी आप देख सकते हैं, पेरेंट सेल्फ और टॉप, और एक है ब्लैंक। तो बाकी वाले टारगेट्स क्या करते हैं वो आपने अलग से एक्सप्लोर कर लेना है कि बाकी जो टारगेट वाले ऑप्शंस हैं उनसे क्या होता है। इसको मैंने रिफ्रेश किया और रिफ्रेश करने के बाद जब मैं क्लिक करूँगा तो आप देखें मेरी वेबसाइट अपनी जगह पर है और ये एक नए टैब में खुला है। ठीक है, अच्छा नए टैब के अलावा आप नई विंडो में भी खुलवा सकते हैं। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा कि उसमें और जो ऑप्शन हैं। और अब मैंने अगर व्हाट्सएप ओपन किया तो वो सेम तरीके से काम कर रहा होगा, बट अब मैं इस टैब को क्लोज करूंगा तो वापस मैं अपनी वेबसाइट की विंडो पे आऊंगा। ठीक है जी, तो यार ये पता नहीं कैसे आगे पीछे कर दे रहे हैं। अब ये वाला जो पार्ट है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो मुलाकात रहेगी आप सब लोगों से नेक्स्ट क्लास में। असाइनमेंट आपको मैं बता चुका हूँ आपका। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।